أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आप सब लोगों का अरमान टीवी पे मेरी तरफ से बहुत 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 खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं, टाइटल तो आपने रीड कर लिया होगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों का रमज़ान की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ है कि उम्मत मुसलमा में जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने भी लोग बीमार हैं घरों में या हॉस्पिटलों में अल्लाह उन सबको शिफाए कामला अता करे। किताब का नाम है अमलियात नाद अली। आप सब लोग जानते हैं कि नाद अली एक ऐसी दुआ है जो सदियों से आमलीन के मामूलात में शामिल है। ये दुआ इमाम अलौलिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। इसके फवाइद पर बेशुमार तहरीरें दस्तयाब हैं। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। याद रखिए कि कोई भी वजीफा, कोई भी अमल बगैर नमाज के नहीं होता। इसके लिए आपको 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, और वजीफा करने से पहले दिली इरादा और नीयत भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना है आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरह। तस्खीर कलब तोइम। अगर बीवी किसी सबब से खामन से मोहब्बत का इजहार ना करे या नफरत करती हो तो मुकम्मल सूरत यूसुफ के गिर्द नादे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिख कर खावंद अपने बाजू पर बांधे। अगर सूरत यूसुफ का अददी नक्श लिख कर बांधे, अददी मतलब तादाद, लिख कर बांधे तो भी मौसर है। गुलाब और ज़ाफ़रान से ये नक्श लिखा जाए। सूरत यूसुफ के कुल अदद 50, 39, 80 हैं। इसका नक्श आपको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 2, तस्खीर कलब दोइम। अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो या झगड़ा रहता हो तो वो नादे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सूरत यूसुफ की आयत 21 और सूरत यूसुफ की आयत 30 और सूरत आदियात की आयत 8, सूरत बकरा की आयत 165 एक एक बार लिखकर तालब बाजू पर बांधे और इसे धोकर तरफीन को पिलाएं। लिखते वक्त पहले फलां बिन फलां की जगह मतलूब का नाम और तालब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा जाए। ज़ौजेन में मोहब्बत के लिए किसी मीठी चीज़ पर नादे अली 21 बार धम करके फरीक को खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के फजल से नादे अली की बरकत से आप खुद कमालात देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप सब लोगों से ये इल्तिजा है, आप सब लोग मेरे लिए भी दुआ ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाहु व खैरा।